ये मेरे पास कच्चा वाला अखरोट है और इसको हम अच्छी तोड़ेंगे, देखेंगे अभी अखरोट इसमें या तो जो गु छगमस किन्ना। स्कूल का टाइम ख़त्म होता था फिर हम इसके पीछे आते, आराम से इसको ऐसे ऐसे जमा करके, देखिए ऐसे जमा करके फिर इसको खाते थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 34 डिग्री सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर है और हम इस वक्त हीट को बीट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले आस पड़ोस के बच्चे वो इन्हीं नालों नदियों में आकर यहाँ पर नहाते थे, तो आज हम भी आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं, आपको भी थोड़ा सा अपना बचपन जो है वो याद आ गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे इस वक्त यहाँ नहा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो के ज़रिए से। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम से कम 34 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है। जैसे पुराने ज़माने में बच्चे नदियों में नालों में नहाते, पर आज थोड़ा सा पानी ख़राब है, आपको पता ही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जनाब अब नहाना धोना हो गया और बीट द हीट प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस एक और जगह पे, वो भी आपको दिखाएंगे आज के इस व्लॉग में। तो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पर हम जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, जैसे आप महसूस अभी कर रहे होंगे थोड़ा सा। तो चलिए आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं। मौसम इस वक्त ज़बरदस्त है और ठंडी ठंडी मस्त हवाएं चल रहे हैं और अभी जैसा मैंने कहा कि हमें अभी छोटी सी पहाड़ी पे आने वाले हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब धीमी धीमी हवा है तो इस वक्त चल रही है, मज़ा ले रहे हैं और क्योंकि नीचे जब आप जाते हैं मेन एरियाज में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगभग 34 डिग्री टेम्परेचर है। तो इससे अच्छा है कि आप जितना भी वक्त आपको बचे और स्ट्रेस की दुनिया से बाहर आके थोड़ा सा इधर आके इन्जॉय कीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की बिल्कुल कोशिश करें। वाह वाह वाह, पहली आके आपको पुराने ज़माने की याद ताज़ा होती है और पहले ज़माने में यहाँ पर लोग आके काम वाम किया करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो मगर माहौल ज़बरदस्त, एयर कंडीशन जैसा यहाँ पर फील आ रहा है अभी। ये देखिए ये आपके सामने हम थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम कहां पर इस पर बैठे हुए हैं। शाम का वक्त हो रहा है और अभी थोड़ा सा वेट करके फिर हम वापस चले जाएंगे। ये मेरे पास कच्चा वाला अखरोट है और इसको हम तोड़ेंगे, देखेंगे अभी इसमें या तो जो गु छगमस किन्ना। पुराने ज़माने में हम ऐसे ही करते थे जब बच्चे थे। नहीं अभी नहीं हुआ है, देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जब गिरी बननी शुरू होती है तो उसके बाद वो पुख्ता हो जाता है। गिरी जब बनती है ना तो पहले ऐसे ही हो जाती है, उसके बाद वो पुख्ता हो जाती है। अभी यार बहुत थके हुए हैं और अभी यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है, फिर हम थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर हमें फिर नीचे जाना है, तो तब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये रास्ते होते हैं इस साइड से, यहाँ से फिर लोग ऊपर चढ़ते हैं। कश्मीर में जिसने ये पंबल नहीं खाई होगी उसने फिर लाइफ में कुछ नहीं किया होगा। बचपन में इसके पीछे हम 5-5, 6-6 किलोमीटर आते थे। यहाँ पर जंगलों में मिलता है, फिर ऐसे तोड़ के आराम से इसको ऐसे ऐसे जमा करके, देखिए ऐसे जमा करके फिर इसको खाते थे। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी, अगर किसी ने खाए हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इसको
कश्मीरी में क्या कहते हैं? ऐसे इसको तोड़ा जाता है, कहते हैं ना कांटू में ही फूल खिलते हैं, और ये कांटू में छोटे छोटे कहना चाहोगे जी का, और जिसने ये नहीं खाया होगा ना कश्मीर में बचपन में, खासकर हम जैसे लोग जो गांव देहातों में रहते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर हम इसके लिए निकालते थे घर से आके, स्कूल का टाइम ख़त्म होता था फिर हम इसके पीछे आते। तो चलिए जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू, बाय बाय।